आपके साथ सृष्टि जैन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार शाम आतंकवादियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ये हमला पुलिस बस पर किया गया था, जिसमें फायरिंग में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी आज सुबह शहीद हो गया। इसके अलावा 11 पुलिस वाले अभी भी घायल हैं। ये हमला श्रीनगर के जीवन इलाके के खोनमो रोड के पंखा चौराहे पे हुआ था, जहां पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंडियन रिजर्व पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसके बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और सर्च ऑपरेशन चलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले पर दुख जताया है और फौरन हमले की रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी हमले की घोर निंदा की है। बता दें, जिस बस पर हमला हुआ है उसमें जवान सिटी से लौट रहे थे। ये बस वाटरप्रूफ नहीं थी और ज्यादातर पुलिस कर्मियों के पास शील्ड और लाठियां ही थी। बहुत कम पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास हथियार थे। बस को रोकने के लिए आतंकवादियों ने दोनों तरफ से फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इससे यह पता चलता है कि कम से कम दो आतंकी इस हमले में शामिल रहे होंगे। इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।